एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खाले जी भर के। तो मैं वापस आ चुकी हूँ एक और रिव्यू वीडियो के साथ। तो मैंने फासोस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो मैंने उधर से मंगवा ली हैं टॉप रेटेड चीज़ें। तो इनको देखते हैं, ट्राई करते हैं कि सब कैसा है, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि इनका खाना की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इनकी जैसे पैकेजिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो देखते हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पे निकल के आता है कि नहीं, मतलब समझ जाओ जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, चलो खोलते हैं इसके। तो मैंने अपना सारा खाना खोल दिया है। ये है वेज मखनी फलाफल रैप, ये है राइस बोल, वेज राइस बोल, जिसमें मसाला छोले और पनीर टिक्के का कॉम्बो आ रहा था। और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा बॉक्स है, मतलब एक अगर बंदा खाएगा उसके लिए बहुत हैवी लग रहा है मेरे को, पर खा के देखें कैसा। तो ये है स्वीट टूथ से मैंने चोकोलावा केक भी मंगवाया, क्योंकि खाने के बाद ऑब्वियसली हमें मीठा खाने का तो मन करता ही है। और ये है तीखा चस्का सीजनिंग। तो मेरे को किसी नॉन ने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पेरी पेरी फ्लेवर जैसा होता है, बिल्कुल तीखा मस्त। तो ये तो मैं बचा के रखूँगी, ये मैं मैगी में डाल के खाऊंगी। तो चलो ये सब खोलते हैं और ट्राई करके देखते हैं। तो ये मैंने अपना बढ़िया सा मखनी फलाफल रैप खोल लिया है, वेज मखनी फलाफल रैप। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है यार। इसको मैं खोल के देखती हूँ ज़रा ना। आई डोंट नो, मैं इतना सारा, ये इतना बड़ा हैवी रैप है, इसमें फिलिंग भी इतनी ज़्यादा है, मैं इतना बड़ा खा पाऊंगी कि नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप देख सकते हो कितने कलर्स है इसमें, बढ़िया बढ़िया। टेस्ट करके देखते हैं इन्होंने क्या क्या इसमें डाला हुआ। तो अब मैं अपना वेज मखनी फलाफल रैप खा के देखती हूँ। तो फलाफल रैप बेसिकली जो हमारे वो होते हैं ना, पीज होते हैं, उनको मैश करके उनमें मसाले वगैरह डाल के, तो उनका मतलब बॉल्स वगैरह बना के, मतलब ऐसे खाए जाते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में। तो मैं इसको खा के देखती हूँ। फिलिंग देख लो, फर्स्ट बाइट में जो मेरे मुंह में आया ना, बहुत सारा चीज सॉस, बहुत ज्यादा मजेदार है, इतना हैवी और इतने फ्लेवर्स आ रहे हैं ना मुंह में। टैंगी, ये जो फलाफल का इन्होंने बीच में पैटी डाली है ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया है खाकर मेरे को। तो मैं इसको 5 में से दूंगी 4.9, एक मैंने पता नहीं 0.1 कहाँ पे काटा है, बट ये बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप ये एक खाओगे ना आपका पेट भर जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हैवी है और बढ़िया, बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड, ये तो ज़रूर ऑर्डर करना। बीच में मखनी सॉस है, मज़ा आ गया ये तो खा कर मेरे को, बहुत बढ़िया। तो ये देखो मैं अपना अब वेज राइस बोल खोलती हूँ, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये देखो ये सारे छोले हैं और ये देखो ये पनीर है, सारा पनीर टिक्का, कितने बड़े बड़े देखो पीसेस पनीर के, और ये देखो नीचे राइस है पूरे। तो ये तो बहुत मज़ा आने वाला, और ये इतना बड़ा इतना हैवी है, आप ये देखो कितना बड़ा है ये पूरा डब्बा। तो ये तो मेरे को लग रहा है दो लोग आराम से खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया। चलो मैं अब इसको खा कर देखती हूँ। ये देखो छोले कितने इसके टेस्टी लग रहे हैं और ये पनीर के पीसेस कितने बढ़िया बढ़िया, ऊपर ये देखो धनिया भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले मैं मेरे फेवरेट छोले खा कर देखती हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मेरे को छोले खाना कितना पसंद है, जो व्हाइट वाले छोले होते हैं ये। हम चलो इसको भी खा कर देखते हैं। सुपर डिलीशियस, मतलब हमारे जो घर के छोले होते हैं ना, सेम टू सेम वैसा टेस्ट है, बहुत अच्छा। और इतना मुंह में फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, तीन जैसे इन्होंने बीच में आमचूर वगैरह डाला हुआ है, खट्टा खट्टा फ्लेवर, बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ। अब मैं पनीर टिक्का ट्राई करती हूँ। पनीर के इन्होंने काफी बड़े बड़े पीसेस डाले हैं, जो बात मेरे को इनकी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इतना कोई देता नहीं है यार इतनी प्राइस रेंज में। जो पनीर लवर्स है ना, वो तो
ये पक्का ट्राई करें यार, मतलब मजा आ गया। इतने बड़े बड़े पीसेस पनीर के, ये देखो बीच में शिमला मिर्च भी है, इतने बड़े पीसेस पनीर के और चावल, मतलब पूरा पेट भर देने वाली आइटम है, मतलब बहुत मजेदार। तो इसको मैं दूंगी 5 में से 5 क्योंकि जितना बड़ा ये बॉक्स है, अंदर क्वांटिटी भी देखो कितनी सारी है, पनीर के पीसेस बड़े बड़े हैं, छोले बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 5 में से 5 हमारे वेज राइस बोल को। तो ये मैंने ना कॉम्बो मंगवाया था क्योंकि मेरे को पनीर भी बहुत पसंद है, मेरे को छोले भी बहुत पसंद है, मेरे को था कि दोनों चीजें मैं खा लूं, पर जिनको छोले खाने हैं वो अकेले छोले का भी ले सकते हैं, उसमें पूरे छोले छोले होंगे, और जिनको पनीर सिर्फ पनीर पनीर चाहिए तो उनके लिए फिर पूरा पनीर वाला भी वेज राइस बोल का बॉक्स होगा। और कहीं क्या बोलूंगी मैं, बहुत टेस्टी है। तो ये हमारा बढ़िया स्वीट ट्रूथ से चोको लावा केक है, अब मैं इसको खोलती हूँ। मैंने अपना बढ़िया सा मील खा लिया था और अब ऑब्वियसली मेरे को मीठा खाना है, तो लेट्स ओपन इट। ओ शिट, ये क्या हो गया? ओह नो, मेरे चोको लावा में से सारी लावा निकल गई। ओ शिट, मेरे को लग रहा है डिलीवरी होते टाइम ऐसा हो गया, बट स्टिल यार आई लव चोको लावा केक, निकल जा, सो यम्मी देखने में। एक सेकेंड, ओह माय गॉड, इजंट इट टेम्प्टिंग, बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग है, चलो खाते हैं इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम हैविंग माय चोको लावा केक। स्वीट टूथ लवर्स हो ना तो ये तो तुम्हें पसंद ही होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार। ऊपर से थोड़ा सा ठंडा हो गया बट अब मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाऊंगी। पर ऐसा भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं दूंगी 5 में से 4.5.05 मैंने इसलिए काटा, सारा ना डिलीवरी के चक्कर में मेरा लावा ही बाहर आ गया, मेरे को ऐसे करके पोक करना था जिससे ऐसे लावा निकलता है ना, वो मेरा मिस हो गया, चलो कोई नहीं। बट दैट्स इट, ये थे मेरा आज का फास्टोस का रिव्यू, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपका खा के पेट भर जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डू गिव इट अ लाइक और कमेंट भी नीचे कर देना कि आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हो, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और सब कुछ जो मैंने कहा है ना वो कर देना, ऐसे मत जाना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी खालेजी भर के नाम से मेरा अकाउंट है, मतलब मैं हर वीडियो में बताती हूँ फिर भी लोग मेरे को पूछते हैं आपका इंस्टाग्राम, योर इंस्टाग्राम, योर इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप टाइप करोगे खालेजी भर के, एक ही है उधर, तो आपको मिल जाएगा। तो ओके बाय।